यदि आपका जीवन धर्ममय है, यदि आपका जीवन सद आचरणों से युक्त है, तभी आपके जीवन में धर्म आचरण से युक्त संतान का जन्म हो सकता है। आप चाहें कि हमारे घर में भगवत भक्त संतान का जन्म हो, आपके घर में एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, और खुद के यदि आचरण में कमी है तो ऐसा संभव नहीं है। अपने धर्मशीलता को हम धारण करें, अपने आचरण अपने संस्कार को धारण करें, तभी ऐसे दंपति के यहां ही धर्मशील संतान का जन्म होता है। और कुल का श्रेष्ठ होना कब श्रेष्ठ माना जाता है, कुल की धन्यता कब मानी जाती है? कोई धनवान उत्पन्न हो जाए, आपके घर में कोई धन कमाने वाला हो, कोई श्रेष्ठ पुत्र आप तब मानेंगे जब वो धनवान हो, कोई पहलवान आपके घर जन्म ले ले तब आप मानेंगे? नहीं, धनवान पुत्र से कुल की श्रेष्ठता नहीं है, बलवान पुत्र से कुल की श्रेष्ठता नहीं है, पदवान संतान से कुल की श्रेष्ठता नहीं है, अपितु धर्म आचरण को धारण करने वाली भगवत भक्त संतान का जब जन्म हो जाए तो समझो आपके कुल की श्रेष्ठता है। और इस बात को स्वयं भगवान शंकर ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनी, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनी, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनी, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनी। भगवान शिव ने कहा है, उमा इस संसार में उसी का कुल धन्य है जिसके घर में भगवत भक्त रघुवीर परायण जेहिनर उपज विनीत, भगवान का जो भक्त संतान जन्म हो जाए समझो उसके कुल की महानता है, श्रेष्ठता है। तो ऐसे धर्मज्ञ नरसिंह जी और माणिक गौरी के यहाँ भगवत भक्त दो संतान का जन्म हुआ, पहले है श्यामल दास पुत्र और दूसरी पुत्री है नानी बाई। छोटी है इसलिए उनको नानी बाई कहा जाता है, नानी मतलब छोटी। ऐसी दो भगवत भक्त संतान का जन्म हुआ, बड़े ही पवित्रता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ निष्ठा रखते हुए स्वयं भक्ति करते हैं और अपनी संतान को भी परमात्मा के चरणों में विश्वास और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए ये सिखाते हैं, उन्हें भी बचपन से भगवत मार्ग पर लगाया है। ये सदगृहस्थ का ऐसा ये दाम्पत्य जीवन है। और कहते हैं अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाया कि जो कर रहे हैं वो सांवरिया सेठ कर रहे हैं और जो भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से होगा, हमारे कार्य जितने भी सदेंगे वो सांवरिया सेठ की कृपा से ही होंगे। आजकल घर में कोई भी बात होता है तो बच्चा कहता है ओ माय गॉड, है ना, एकदम से गॉड याद आ जाते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर। 33 कोटि देवी देवता में से एक भी याद नहीं आता, लेकिन पर पंथ के प्रभु को स्मरण करते।